ये है, जब कोई बड़ा मैच होता है ना, हमारे जो खिलाड़ी है वो अनफिट हो जाते हैं। ये आज तक समझ नहीं है कि अनफिट क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। कल के मैच के बाद मैं पाकिस्तानी को कहना चाहूँगी कि अब तैयारी करके जाएं, बिकॉज सिराज के मुकाबले में शहीन नीड्स के वो अपनी जो तैयारी है वो अच्छी करें। जो मोहम्मद सिराज थे उसने एक ओवर में 4 गिराई और वहीं पे श्रीलंका ढेर हो गई। उनको पता चल गया आज तो काम खराब है, हमसे नहीं होगा, हमसे ना होगा, ये ना हो पाएगा। जैसे वो विकेट पे आए ऐसे लग रहा है जैसे वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, कैचिंग खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक आया दूसरा गया, एक आया चौथा, ऐसे ही। मैंने जो मैच देखना था वो विराट के लिए देखना था, बिकॉज आई एम हिज फैन। बट जब मैंने कल मैच देखा और सिराज की परफॉर्मेंस देखी तो आई वाज लाइक कि मैं उसकी फैन हो गई, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। सिराज है जैसे कि अब जैसे आपने कल देखा ही है, वो तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कि भाई वो गायब से गेंदे डाल रहा है। सिराज को मैं कहना चाहूंगी कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, बहुत ज्यादा मजा आया मैच देख के, योर परफॉर्मेंस वाज सो गुड, और मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी आपको। मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा कि 50 रन पे 50 ओवर है और 50 रन है। हम सोचते हैं ना कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन नंबर 1 बॉलिंग लाइन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने कैसी बॉलिंग की है, 6 विकेटें उड़ा के बना हमारी साइड पे की है, क्योंकि सिराज की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज्यादा अच्छी थी। श्रीलंका को जिस तरह से हराया उसने, लाइक कोई चांस ही नहीं दिया उनके पे। और मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो ये इंडिया का, मैं कहता हूँ शहीन शाह से इसका कोई कंपेयर नहीं है। और देखा जाए तो पाकिस्तान ने कभी ऐसी बॉलिंग नहीं की। सिराज है, अगर देखा जाए तो इंडिया ने छुपा के रखा हुआ था इस बंदे को कि हम इसको फाइनल में निकालेंगे और एकदम से छा जाएगा, वो हीरो है इंडिया। श्रीलंकन बैट्समैन खेल रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि वो श्रीलंकन टीम है ही नहीं है जिसने वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया। ठीक, मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग बहुत हैवी की है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऐसी माएँ जो होती हैं लड़के बहुत काम पैदा करते हैं, जैसे मोहम्मद सिराज के सामने इंडिया की बॉलिंग लाइन के सामने वो उनका बैट ही नहीं उठ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल का फाइनल देखा? हाँ जी, कल का फाइनल तो देखा, लेकिन देखने वाला नहीं था। क्यों? क्यों ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग सो रहे थे, आराम से उठे, बड़ा मतलब कि फाइनल का क्रेज था कि सुबह उठेंगे फाइनल देखेंगे और साथ में कुछ बनाएंगे, फाइनल अच्छा होगा। जब हम लोग सो के उठे, जब फाइनल देखा तो मैच खत्म हो चुका था। हाँ, प्रॉपरली ऐसा ही सीन हुआ कि हम लोग बोल रहे थे कि चलो 10 ओवर गुजर जाएंगे फिर मैच आराम से बैठ के देखेंगे। जब 10 ओवर बाद देखा मैच तो प्रॉपर ही खत्म हुआ पड़ा था, ये सीन हुआ। और एक्चुअली ये कि मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग बहुत हैवी की है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऐसी माएँ जो होती हैं लड़के बहुत काम पैदा करते हैं, जैसे मोहम्मद सिराज है, अगर देखा जाए तो इंडिया ने छुपा के रखा हुआ था इस बंदे को कि हम इसको फाइनल में निकालेंगे और एकदम से छा जाएगा, वो हीरो है इंडिया। देखिए, हमेशा से ऐसे ही होता है कि जो फाइनल होता है वो बड़ा मतलब कि वो हाई वोल्टेज होता है मैच, किसी भी टीम के दरमियान फाइनल हो तो हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लास्ट ओवर तक जाएगा फाइनल, लेकिन जैसे वो श्रीलंकन बैट्समैन खेल रहे थे वो ऐसे लग रहा था कि वो श्रीलंकन टीम है ही नहीं है जिसने वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया। ठीक है, तो और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल के गली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे खेल रहे हैं। सिराज के सामने इंडिया की बॉलिंग लाइन के सामने वो उनका बैट ही नहीं उठ रहा था। मैंने मैच को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि सिराज की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। श्रीलंका को जिस तरह से हराया उसने, लाइक कोई चांस ही नहीं दिया उनके बैटर्स को ना, तो बहुत मज़ा आया मैच देख के। आई गेस ही इज द बेस्ट प्लेयर इंडिया का। देखे उन्होंने वो एक मैच खेला है, फाइनल खेला है, उसने कैसी बॉलिंग की है, 6 विकेटें उड़ा के बना हमारी साइड पे की है। और जो श्रीलंका का ग्राउंड है, ग्राउंड के जो होता है स्टाफ, उन लोगों ने वो रिवार्ड दिया, देखे इतनी अच्छी बॉलिंग के ऊपर। और मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो ये इंडिया का, मैं कहता हूँ शहीन शाह से इसका कोई कंपेयर नहीं है। और देखा जाए तो पाकिस्तान ने कभी ऐसी बॉलिंग नहीं की, और जैसे इंडिया वालों ने बॉलिंग की है ये मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा कि 50 रन पे 50 ओवर है और 50 रन है वहाँ पर बुक कर दिया। देखे इंडिया शुरू से नो डाउट उनकी बैटिंग लाइन हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है जब से इंडिया टीम है। और अगर हम अब बॉलिंग लाइन की भी बात करें तो मैं देखता हूँ कि हम सोचते हैं ना कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन नंबर 1 बॉलिंग लाइन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें इंडिया के पास क्वालिटी बॉलर्स हैं, मोहम्मद शमी की बात कर लें, वो ठीक है एक टेम्परामेंट के साथ बॉलिंग करते हैं। सिराज है जैसे कि अब जैसे आपने कल देखा ही है, वो तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कि भाई वो गायब से गेंदे डाल रहा है। ठीक है, और जैसे कि बुमराह ऑलरेडी है उनके पास, स्पिनर्स उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जडेजा है उनके पास कुलदीप है, चाहल अभी है ही नहीं स्क्वाड में, वो बहुत अच्छा स्पिनर है। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी बॉलिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है सिर्फ पाकिस्तान की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी जो एक सुपरस्टिशन हमने बना के रखी है ना कि भाई कि हमारी बॉलिंग लाइन अच्छी है, तो इंडिया अब आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि वो हमसे भी मतलब बहुत अच्छी उनके पास बॉलिंग। मैंने जो मैच देखना था वो विराट के लिए देखना था, बिकॉज आई एम हिज फैन। बट जब मैंने कल मैच देखा और सिराज की परफॉर्मेंस देखी
तो आई वाज लाइक कि मैं उसकी फ़ैन होगी बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि विराट का तो कोई चांस ही वहाँ पे नहीं बना, क्योंकि जो बैटर्स थे उनको आने का वो हुआ ही नहीं क्योंकि उसने इतना अच्छा खेला। वेरी नाइस। ऐसे ही कुछ हुआ जब वो ग्राउंड में उतरे और जब श्रीलंका बैटिंग पे आई है तो जाहिर सी बात उनका भी होगा कि हम लोग अच्छी पार्टनरशिप खेलेंगे दोनों ओपनर्स। जैसे वो विकेट पे आए ऐसे लग रहा है जैसे वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, कैचिंग खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक आया दूसरा गया, एक आया चौथा, ऐसे ही जो मोहम्मद सिराज तो उसने एक ओवर में चार गिराई और वहीं पे श्रीलंका ढेर हो गई। उनको पता चल गया आज तो काम खराब है, हमसे नहीं होगा, हमसे ना होगा, ये ना हो पाएगा, ऐसा सीन हुआ है। और 50 मैं जब देख रहा था मैच तो मैं ना एकदम बैठा हुआ था, मैं कह चलो यार मैच देखता हूँ थोड़ी देर बाद। जब मैंने गूगल पे जाके ऑन किया मैंने देखा कि 3 विकेटें गिर गई हैं, 8 पे एक थी, 8 के बाद फिर 3 हो गई। मैं परेशान, मैं चलो बंद करके थोड़ी देर और देखता हूँ कि यार शायद क्या बनता है। मैं काम करके थोड़ा सा मैंने देखा 12 पे 5 हो गए, तो समझ नहीं आ रहा था, मैं शॉकिंग हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की तरफ आए और पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार शाहीन की बात करें और वर्सेस सिराज की बात करें, तो इस चीज़ को कैसे देखा आपने कल के मैच के बाद? शाहीन नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का, ठीक है, बट कल के मैच के बाद मैं पाकिस्तानी को कहना चाहूँगी कि अब तैयारी करके जाएं, बिकॉज सिराज के मुकाबले में शाहीन नीड्स के वो अपनी जो तैयारी है वो अच्छी करे। को आपने समझा हुआ है ना कि हमारी बैकबोन हमारी बॉलिंग है, तो 3-4 बॉलर से हमारा काम नहीं चलेगा। और वही आपने देखा भी है, वही हुआ कि पहले हारिस रऊफ इंजर्ड हुआ, वो बाहर हो गया, उसके बाद नसीम और अब शाहीन की भी बात की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला, जैसे कि एक मंथ बाद अब वर्ल्ड कप है, एक मंथ भी नहीं रह गया मेरा ख्याल है, तो अब हमारी टीम हमारी मैनेजमेंट सोच में है कि हम कौन से बॉलर्स लाएं, हाँ क्या करें तो क्या करें। Exactly. और इंडिया प्रॉपर सेट के साथ, जैसे कि इंडिया ने हमें डिसअपॉइंट किया अपनी बॉलिंग के साथ, हम हमेशा से कहते हैं ना कि भाई उनकी बैटिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी बॉलिंग भी अब बहुत अच्छी बॉलिंग लाई है। देखें पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एक मसला ये है, जब कोई बड़ा मैच होता है ना हमारे जो खिलाड़ी है वो अनफिट हो जाते हैं, ये आज तक समझ नहीं है कि अनफिट क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये समझ आज तक नहीं आई। जब भी कोई बड़ा मैच होता है यार ये अनफिट हो गया, यार देखने वाला आवाम तुम लोगों को देख रही है, इतना मैच देख रही है, सब काम छोड़ के देख रहे हैं, दुनिया सारी देख रही है, अपने कारोबार छोड़ के बैठेंगे यार चलो मैच देखते हैं, लेकिन मैच वैसा होता ही नहीं है। वो क्या सुनने में आता है यार वो अनफिट हो गया, वो मैच नहीं खेल रहा, फिर बाद में सुनाते हैं कि हमारा खिलाड़ी अनफिट था और हम लोग हार गए। देखिए मैं तो जब से सिराज की बॉलिंग लाइन देख रहा हूँ ना, तो वो उसकी एक लाइन लेंथ होती है। देखें जैसे कि हमारे नो डाउट शाहीन भी बहुत अच्छा बॉलर है, वो भी एक लाइन लेंथ के साथ करता है, लेकिन शाहीन उतना लंबा नहीं जाता कि जितना वो अब सिराज एक टेम्परामेंट के साथ बॉलिंग करता है, एक उसकी बॉलिंग लाइन में कंटिन्यूटी नज़र आती है। ठीक है, जहाँ पर वो देखता है ना कि बैट्समैन यहाँ पर फंस रहा है तो वो उस लाइन को छोड़ता नहीं है। और नो डाउट सिराज एक अच्छा बॉलर है, और ये आपको शायद पता है या नहीं पता कि ये कोहली की सजेशन से ये टीम का हिस्सा बना है। और उसकी परफॉर्मेंस भी आप आईपीएल की उठा के देख लें, अच्छे अच्छे बैट्समैन के सामने, हालांकि आईपीएल की विकटें भी इतनी बैटिंग विकटें होती हैं, उधर भी उसने अच्छा करके दिखाया, तो होपफुली आगे भी अच्छा ही करेगा वो। अच्छा, तो सिराज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सिराज को मैं कहना चाहूँगी कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैच देख के, योर परफॉर्मेंस वाज सो गुड, और मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी आपको। देखें जो इंडिया है ना, मैं कहता हूँ तगड़ी होके आ रही है वर्ल्ड कप में, ठीक है, और बाकी टीमों को भी तगड़े होके आना पड़ेगा, और इंडिया देखे जाए तो नंबर वन टीम वो है, पाकिस्तान नहीं है मेरे ख्याल में, आना पड़ेगा, और इंडिया देखे जाए तो नंबर वन टीम वो है, पाकिस्तान नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, जैसे एशिया कप में जीत रहे हैं, लास्ट टाइम भी जीते थे, इस टाइम भी जीते हैं, ठीक है, और सारी टीमों को तगड़ा होके आना पड़ेगा, इंडिया बेस्ट है मेरे ख्याल में इस दफा, उनके जो सारे लेजेंड वो अभी तक टॉप पे जा रहे हैं, देखा जाए तो वो सबको रोंद रहे हैं, सही से गिरा रहे हैं, और देखा जाए जो उनका सिराज है वो पाकिस्तान के ऊपर वजनी है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा थोड़ा सा ये मतलब बहुत ज़्यादा है, जो हमारा बाबर है माशाल्लाह से, हाँ। देखिए वो छोटी टीमों के खिलाफ खेलता है मैच, सारे मैच खेलता है, ठीक है, वो नंबर वन क्यों है, वो हर टीम के साथ मैच खेलता है, ठीक है, जो बटलर हो गया, विराट कोहली हो गए, जब किसी छोटी टीम के साथ मैच होता है ना, ये मैच नहीं खेलते, ये बैठ के देखते हैं, ठीक है, जब कोई बड़ा मैच होता है ये दिखाते हैं, ये चीज़ नहीं है कि नंबर वन वो बैट्समैन है, देखना ये है कि वो खेलता कैसे फाइनल में और कैसे अपने आप को बड़े मैच का असल में बड़े मैच का। देखें
इसमें भी हम पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बोर्ड और हमारे जो जो हमारे एक हायरार्की बनी हुई है कौमी टीम तक पहुंचने की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे क्या होता है, यहाँ पे एक बंदे को ट्रायल में उठाते हैं, अगले साल उसको PSL खिलाते हैं और साथ ही एक मैच उसने अच्छा खेला नहीं है कि वो कौमी टीम का हिस्सा बन जाता है। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में पता नहीं कितने कितने वो टूर्नामेंट खेल के कितनी कितनी वो स्टेप बाय स्टेप इतना वो पॉलिश करते हैं प्लेयर्स को अपने को, वो जब पूरा लेजेंड बन जाता है फिर वो टीम का हिस्सा बनाते हैं। फाइनल देखें, लोगों ने टिकटें बुक करवाई हुई थी इतनी इतनी महंगी, फाइनल है, आके क्रेज के साथ देखेंगे बैठ के, आराम से मजे करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना दिया मैच को, लगा ही नहीं मैच है कि मैच हो रहा है, और मैच ऐसा ही हुआ कि आए गए आना जाना, और जो लोग थे वो तो इस बैठे हुए थे यार आज तो बड़ा मैच है, काफी लंबा चलेगा, और जो देखा जाए उनका होम ग्राउंड है, थोड़ी सी शर्म कर लेते हैं इंडिया वाले कि यार थोड़ा सा इनको खिला दें, अगर 3 आउट हो गया चलो यार थोड़ा खेल लें तो टारगेट अच्छा हो, हमें भी खेलने में मजा आए, इंडिया वाले भी देखें, किसी ने ना शोर ना शराबा, ठीक है वो चुप करके मैच हुआ घर घर चले गए अपना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए आपको देखा, आपने देखा होगा कि हमारे जो एशिया कप के कुछ मैचेस हुए उसमें जो इंडिया के जो टॉप ऑर्डर था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, तो वहाँ पे आके जो उनके जूनियर थे उन्होंने करके दिखाया। तो ये क्या वजह है कि सिर्फ हमारे ये है कि हमारे उतना नहीं, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना नहीं करता कि एक प्लेयर को प्रॉपर तरीके से रेडी करके टीम में लाया जाए, यही वजह है कि इंडिया के प्लेयर अच्छा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच।